अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ बाबर गुलाब एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर ऑफ ग्रेड 9th. टुडे वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंसेस की बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. अब हमारे पास ये दोनों रेस्पिरेशन की टाइप्स हैं, मेजर एरोबिक और एनएरोबिक. अब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी तरफ है हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन. सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की कि उनको हम किस टर्म से डिनोट करेंगे, यानी उनको किस टर्म से हम रिप्रेजेंट करेंगे जो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. ये है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, वो ऑर्गेनिजम्स जो एरोबिकली या एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको हम कहते हैं एरोब्स, जबकि दूसरी तरफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एनएरोब्स. मीन्स इन ऑर्गेनिजम्स में ये ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये वाले ऑर्गेनिज्म जिनको हम एनएरोब्स कह रहे हैं ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं. दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि इनमें से कौन सा जो रेस्पिरेशन की टाइप है या मैकेनिज्म है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या नहीं. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं. आई होप कि अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी. अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा जाए तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होती है, हम कहते हैं ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है. अब क्यों प्रेजेंट होती है, ये क्यों रिक्वायर होती है, और जबकि दूसरी तरफ एनएरोब्स में ऑक्सीजन जो है वो नहीं चाहिए होती. अब एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम देखें तो हमने बात की थी कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में. अब ये जो एनर्जी है ये सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती है. स्टूडेंट्स, अगर इक्वेशन में देखें आप तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि ऑक्सीजन जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन आर फॉर द एरोब्स ऑर्गेनिजम्स, जबकि दूसरी तरफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन को अगर हम देखें तो इसमें जो ग्लूकोज है उसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बगैर ही ब्रेकडाउन होती है टू डिफरेंट वेज से. एक को हमने कहा था अल्कोहलिक
फर्मेंटेशन, और दूसरा जो हमने कहा था वो था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये दोनों जो प्रोसेस हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इनमें ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर नहीं होती। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड, या हम कह लेते हैं टोटल एटीपी प्रोड्यूस्ड। हमने जब एनर्जी बजट ऑफ द सेल पढ़ा था टॉपिक, तो उसमें हमने देखा था कि टोटल जो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू वो हमारे पास 36 हैं इन द टॉपिक ऑफ एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, 36 एटीपीज हैं। अब ये 36 एटीपी जो हैं वो एक बिग अमाउंट है एज कंपेयर टू द टू इन केस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आप देखें कि इन दोनों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर एटीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें 36 एटीपी प्रोड्यूस हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है फाइनल प्रोडक्ट, कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फाइनली प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं। अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन को यहाँ पर देखें तो हमने बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और वाटर बन रहा है एटीपी के अलावा। लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अगर बात करें तो इसमें नाम से ही इंडिकेट है कि एक में अल्कोहल बनेगी और दूसरे में लैक्टिक एसिड। हम इसमें कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहां पे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड जो है ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। दूसरा हम कहते हैं कि हमारे पास है एथेनॉल जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। एथेनॉल का फॉर्मूला हमने कहा था C2H5OH, और साथ ही साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है साइट ऑफ अक्रेंस, कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन सेल में कहां कहां पर होती है। अब इसमें अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो हमने कहा कि सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होगी, ये हमारे पास एक सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने 3 जो साइकल्स हैं वो पढ़े थे, एक ग्लाइकोलाइसिस, क्रब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सेल के साइटोप्लाज्म में जो है वो ग्लाइकोलाइसिस होती है, फिर नेक्स्ट हमने कहा था कि इसमें एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसको हमने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में
क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये दोनों प्रोसेसेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बैक्टीरियल सेल में हमने बात की कि एक सेल है हमारे पास। बैक्टीरियल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता और इसके साइटोप्लाज्म में ही ग्लाइकोलाइसिस जो है वो होती है। अब इसी पॉइंट को देखें अगर तो हम कह सकते हैं कि एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में एक और पॉइंट ऐड हो सकता है और वो है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन तो इसमें हमने कहा था कि ग्लूकोज जो है वो कंप्लीट उसकी ब्रेकडाउन होती है और उससे 36 ATPs जो हैं वो नेट हमारे पास बचते हैं। हम कहते हैं कि ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है वो कंप्लीट होती है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कम्प्लीटली एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं होती, इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की वो क्या होगी, इनकम्प्लीट। अब फाइनल जो हमारे पास पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस कि इन दोनों में से इम्पोर्टेंट कौन से वाली है, एरोबिक रेस्पिरेशन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की तो ये मेजर सोर्स है एनर्जी का ऑर्गेनिजम्स के लिए। हम कहते हैं मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए एनएरोबिक रेस्पिरेशन में तो क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, इसमें तो हमने कहा कि सिर्फ ATP प्रोड्यूस होगी यानी एनर्जी है, इसके अलावा कोई साइड प्रोडक्ट्स नहीं है या अगर है भी तो कार्बन डाइऑक्साइड है और वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी जाती है। इसको एक प्रोडक्ट कंसीडर किया जा सकता है। ये जो है फिर प्लांट्स यूज़ करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, प्लांट्स इसको यूज़ करके क्या बनाएंगे, फूड, और उस फूड की अगेन ब्रेकडाउन करके क्या बना दिया जाएगा, ATP, एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाएगी। हम अब देखते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास कौन कौन से साइड प्रोडक्ट्स भी आते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी सोर्स है। किन के लिए, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। दूसरा हम कहते हैं कि ये सोर्स है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, लाइक एथेनॉल, चीज, योगर्ट्स और ब्रेड एटसेट्रा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं वो है मेजरली एथेनॉल, दूसरा हमारे पास है चीज, फिर हम कहते हैं योगर्ट,
इसके अलावा ब्रेड इंडस्ट्री में, ब्रेड मेकिंग में भी इस प्रोसेस को यूज किया जाता है। और फाइनली जो हम पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, वो ये है कि कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिनमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लाइक अगर ह्यूमंस की ही एग्जांपल ली जाए, अगर इन्हें ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में ना प्रोवाइड हो, यानी ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट नहीं है, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, तो ह्यूमंस में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, हमने कहा ड्यूरिंग एक्सरसाइज, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है लाइक ह्यूमंस में अगर देखें तो जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। अगर ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल ना हो तो जो मसल सेल्स होते हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है तो इसके रिजल्ट में हमने बात की थी कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब ये लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है ये ह्यूमंस के मसल सेल्स में एक्युमुलेट कर जाता है। और जैसे ही ये मसल सेल्स में एक्युमुलेट करता है तो इसकी वजह से पेन होती है, जिसको हम कहते हैं फटीग। लेकिन जैसे ही बाद में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो नॉर्मल होती है, मतलब जैसे ही इंसान रेस्टिंग कंडीशन में आता है, तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये ग्रेजुअली बॉडी से रिमूव हो जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने एक्सप्लेन किया कंप्लीट प्रोसेस को, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस को और एनएरोबिक के, इन दोनों में डिफरेंस कौन कौन से हैं। हमने स्टार्ट किया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से। सबसे पहले हमने कहा, बात की कि ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन वाले को हम एरोब्स कहते हैं और दूसरे वाले को जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनएरोब्स। फिर हमने इनमें ऑक्सीजन के रेफरेंस से देखा, नंबर ऑफ एटीपी प्रोडक्शन के रेफरेंस से देखा, फाइनल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, साइट ऑफ अक्रंस कौन सी है, इम्पोर्टेंस क्या है, फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या आते हैं, और फाइनली हमने बात की कि ह्यूमंस में जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन भी समटाइम्स स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज कंडीशन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसी लेक्चर के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ये कम्प्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस को एक्सप्लेन किया। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।